मैं यशपाल हंस करनाल से सबको नमस्कार, नमन, शुभकामनाएं। आओ ज्योतिष की कुछ बातें करें। मैंने आपको दूसरे, तीसरे, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भावों के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, और भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। आज मैं द्वादश पर चर्चा कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि थोड़े समय में ही कर ली जाए। आज मैं द्वादश पर चर्चा के बाद कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे ग्रह बैठे हों तो उसके पूर्ण परिणाम क्या आते हैं। बारहवां घर व्यायेश, खर्चे का घर, लेकिन अगर इसमें कोई सदा हुआ ग्रह बैठा हुआ हो तो वो व्यक्ति अपव्यय नहीं करेगा, व्यय तो करेगा। व्यय तो हर व्यक्ति को जीवन में करने पड़ते हैं, अपव्यय ठीक नहीं। अपव्यय करवाते हैं वो ग्रह रिलेटिंग टू सूर्य, राहु, शुक्र भी करवाता है कहीं ना कहीं। शुक्र तो लग्जरी पर खर्च करवा देता है। ये ठीक है कि बारहवें घर का शुक्र व्यक्ति को अमीर तो बनाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, एक तो ये बारहवां घर खर्चे का हुआ, दूसरा ये गुप्त शत्रुओं का हुआ, जिन शत्रुओं का हमें पता ही नहीं होता कि ये कौन है, कहाँ बैठे हुए हैं, निंदा चुगली करने वाले, जिन्होंने हमारी हर उन्नति को देखकर एक द्वेषात्मक रवैया अपनाना है, वो भी हमें यहीं से देखने पड़ते हैं कि यहाँ कोई द्वेषी ग्रह तो नहीं बैठ गया। मेरे बंधुओं, बारहवें घर से हम मुकदमों का तो देखते हैं, हम दसवें ग्यारहवें से, बारहवें से हम राजदंड का देखते हैं कि कोई गलती हो गई, कोई ऐसा मुकदमा बन गया, कोई दंड तो नहीं मिलेगा, ये भी हम बारहवें घर से देखते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आज के युग के अंदर, वर्तमान समय के अंदर, जबकि बहुत से लोग अपना वीज़ा लगवा कर बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो भी इसी घर से देखना। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि अगर इस जगह पर केतु बैठ जाए तो बहुत योग बनता है विदेश जाने, कोई रुकावट ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए। चंद्रमा बैठा हो लगन के अंदर और केतु बार में चला जाए, योग प्रशस्त होते हैं। मैं आज छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ आपको ताकि आप इसको याद रखें। टिप्स के बिना ज्योतिष नहीं चलती, क्योंकि हमें बात का गहराई में जाना पड़ता है। मैंने बताया ना कि एक लेखक ने, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, इस वक्त वो हमारे मध्य नहीं है, उन्होंने यही लिखा था कि कुंभ राशि का बृहस्पति उच्च के समान बलि हो जाता। शुरू में तो हमने नहीं माना इस बात, लेकिन आज मानते हैं कि कुंभ का बृहस्पति कर्क के समान बलि हो जाता। अब उन्होंने किस आधार पर लिखा, इसके पन्ने नहीं पढ़े गए। उस वक्त जैसे योग नहीं बन पाया हमारा पढ़ने का, लेकिन बात ठीक है, आगे चलता हूं। महाराज पराशर ने स्वयं माना है, पराशर संहिता में वर्णित है कि पूरी कुंडली के अंदर नीच का बृहस्पति एक जगह तो नीच होकर बैठा, तीन जगह वो देख रहा है, पूरी कुंडली को कमजोर कर देगा, दुर्बल कर देगा। बारहवें घर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसका संबंध हमारे नेत्रों से भी है, हमारी आंखों से भी है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहूँ वो कहूँ कि जी एनके लग गई, पर नहीं, बस आप समझ लीजिए कि ये त्रुटि आ सकती है। बारहवां घर आउटगोइंग का है, जहाँ ग्यारहवां घर आने का है, इनकमिंग का है, ये आउटगोइंग का है। मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति के अंदर हम ये गुण कैसे देखें कि ये, कई लोग होते हैं खुला खर्च कर देते हैं, कई लोग होते हैं बिल्कुल नहीं, स्वभाव, ग्रहों का चाल। जब पुस्तकें पढ़ता था, एक एक बात दिमाग में रहती थी,
कि बारहवें घर का मालिक अगर अष्टम में आ जाए, अष्टम घर होता है पुरातत्व का, हर चीज को नीचे दबा देना, वो व्यक्ति आसानी से पैसा नहीं खर्च कर सकता, मेरे बंधुओं नहीं कर सकता। यही स्थिति छठे की है। अगर बारहवें का मालिक छठे में आ जाए, उस व्यक्ति से धन व्यय हो नहीं सकता। बहुत सोच कर करेगा, लिमिटेड करेगा और मजबूरी में कर, व्यवस्था में करेगा। ये बातें बनी हुई हैं तो ठीक है, ये बातें लिखी हुई हैं तो सत्य है। एक बात और जो मैं विशेष तौर पर आपसे करने के लिए आया था, कई लोगों को आप देखते हैं उनके अंदर एक मेधा बुद्धि टपक रही होती है, हर समस्या का उनके पास समाधान होता है। कोई समस्या आप उनसे बात करके देख लीजिए, कोई ना कोई समाधान आपको बता जाएंगे। मुझे एक पुस्तक में एक अति विद्वान व्यक्ति की कुंडली देखने का मौका मिला। यूं कहने को तो वो सारी उम्र बीमार ही रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 23 किताबें लिखी थी ज्योतिष पर। छू तो ग्रह बहुत अच्छे थे, हाँ छठे घर का, बीमारी के घर का उनका भीषण योग बन रहा था, लेकिन नवम भाव में मैंने क्या देखा उनके, जिस पर उस पुस्तक के टीकाकार ने भी टिप्पणी की हुई थी कि शनि, चंद्रमा और राहु ने इस व्यक्ति को नवम भाव में बिठाकर महान ज्योतिष का विद्वान बना दिया। तो दोस्तों 7 मिनट होने को आ गए, रोज आपसे मुलाकात होगी, रोज चर्चाएं नई होंगी, नई बातें होंगी, और मेरी कोशिश होगी कि आपको ज्योति के दर्शन कराएं, क्योंकि ज्योतिष को का मतलब ज्योति होता है, अंधकार नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, कईयों के कुंडली आती है त्रिक स्थानों पर ग्रह बैठे होते हैं, कह देते हैं ये तो कुंडली कुछ नहीं, जबकि ये भी एक योग बनता है उन्नति का। मेरे बंधुओं, कुछ चर्चाएं मैं आपसे कल फिर करता हूँ। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हम मिलते रहें और जितना मेरे से बन पड़े मैं ज्योतिष पर आपसे चर्चा करूं। हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप सुखी रहें, आपकी संतानें सुखी रहें। जय जगत, जय भारत।